जिला भाजपा व्यापार मंडल के अध्यक्ष व वार्ड नंबर 3 से पार्षद अनिल सोनी को जिला भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ का अध्यक्ष मनोनीत किया गया, जिस पर व्यापार मंडल के सदस्यों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान जिला भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अनिल सोनी ने कहा कि सरकार द्वारा जो जिम्मेवारी उन्हें सौंपी गई है उस पर खरा उतरेंगे और हर वर्ग के व्यापारी को सरकार के द्वारा चलाई गई विभिन्न स्कीमों के प्रति जागरूक करेंगे, ताकि हर वर्ग का व्यापारी सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि वे व्यापारियों को आ रही समस्याओं को सरकार के समक्ष रखेंगे, ताकि व्यापारियों को पेश आ रही परेशानियों का निवारण हो सके। जिला हमीरपुर का अध्यक्ष मुझे सरकार ने नियुक्त किया है, संगठन ने, तो सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी सौंपी है। और हमारी इसमें कोशिश रहेगी कि व्यापारी भाइयों की हमारी जो भी समस्या सरकार के समक्ष उठाने की रहेगी या एडमिनिस्ट्रेशन के समक्ष उठाने की रहेगी, हम उसको बखूबी निभाने की कोशिश करेंगे। और अपने व्यापारी भाइयों को हम ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियतें और ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्सेशन, जो गवर्नमेंट की तरफ से नई नई स्कीमें आती रहती हैं। आजकल एक कल ही हमारी एक मीटिंग थी जिसमें रेडी फडी वालों के लिए एक हमारी योजना का के बारे में हमारी मीटिंग थी, तो उसके बारे में भी हम एक जागरूकता अभियान शुरू करने जा रहे हैं, तो जिसमें हमारे व्यापारी भाइयों को, जो छोटे व्यापारी हैं, रेडी फडी वाले हैं, तो उनको इसमें लाभान्वित होंगे वो लोग। तो इस तरीके से जो भी सरकार की स्कीमें होंगी वो लोगों तक पहुँचाई जाएंगी और जो लोगों की समस्याएं आएंगी वो सरकार तक पहुंचाई जाएंगी। तो मुझे यह लगता है कि व्यापार प्रकोष्ठ का अध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं एक बीच की कड़ी बनकर सरकार और लोगों के बीच का जो एक माध्यम है वो बनकर मैं लोगों की सेवा करूं और सरकार की चीज़ों से मैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाने की कोशिश करूँगा।